कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, Thank you.
खैर तो नहीं है। लाहौर से लाइव मनाजिर आप देख सकते हैं कि मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है। फौजी दस्ते ने सलामी दी और अब रेंजर्स की जगह मज़ार इकबाल पर पाक फौज का दस्ता गार्ड्स के फ़राइज़ संभालेगा। अब कुछ ही देर में फूल चढ़ाए जाएंगे मुफक्करे पाकिस्तान इलामा इकबाल के मज़ार पर और फ़ातह खानी भी की जाएगी। ये मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है और अब से कुछ देर बाद शहर कायद में मज़ार कायद पर भी गार्ड्स की पुरवकार तकरीब होगी। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है और अब रेंजर्स की जगह फौजी दस्ते के दो गार्ड्स जो हैं वो फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि फौजी दस्ते ने यहाँ पर हाज़िरी दी, सलामी दी, परेड की गई और फौजी बैंड की धुन में कौमी तराना भी पेश किया गया और अब फूल मुफक्करे पाकिस्तान इलामा इकबाल के मज़ार पर चढ़ाए जा रहे हैं। मुल्क भर में आज 76वां जश्न आज़ादी मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। विफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में 31 जबकि सूबाई दारुलहुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। इसके अलावा नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ भी मांगी गईं। इससे कबल रात गए हमने देखा कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, हैदराबाद, क्वेटा और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम आज़ादी शुरू होते ही आसमान पर रंगो नूर की बरसात हो गई। नौजवान सब्ज़ हिलाली परचम और झंडियाँ लिए सड़कों पर निकल आए और गलियों, शाहराहों, चौराहों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया और अब मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है। अलामा इकबाल के मज़ार पर रेंजर्स की जगह पाक फौज का दस्ता गार्ड्स के फ़राइज़ संभालेगा, जिसके हवाले से पुरवकार तकरीब जारी है। फौजी दस्ते ने सलामी पेश की, परेड की गई और कौमी तराना भी फौजी बैंड की धुन में बजाया गया। हम पुरअज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।